ऑलराइट, नाम तो स्मार्टफोन्स के बहुत बड़े बड़े हो गए, आपको बताएं। दिस वन इज ऑफिशियली द लॉन्गेस्ट नेम स्मार्टफोन, बताओ क्या है? रेडमी K50 गेमिंग AMG पेट्रोनास फॉर्मूला 1 टीम स्पेशल एडिशन। बेसिकली दिस इज रेडमी K50 गेमिंग एडिशन, लेकिन ये स्पेशल एडिशन है जो फॉर्मूला 1 टीम है मर्सिडीज की, उनके साथ टाइप के साथ। बॉक्स तो बहुत बड़ा लग रहा है दोस्तों, ये हमने बेसिकली चाइना से मंगाया हुआ है और इधर अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग नाम से इंडिया में आने वाला है, गेमिंग वगैरह नहीं होगा, स्पेशल एडिशन नहीं होने वाला है, बट स्पेसिफिकेशंस आर गोइंग टू रिमेन द सेम, तो इसीलिए हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। याद रखिए पोको F4 GT जो है अप्रैल में इंडिया में लॉन्च होने वाला है, ऐसे एक्सपेक्टेड है। सो लेट्स सी इट इन मार्च कैसा है। लेकिन उसके पहले दोस्तों आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छे अच्छे वीडियोस लाते हैं, वैसे ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। आगे बढ़ने से पहले और एक चीज कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ 10,000 यूनिट्स है इंडिया में। लुक एट द बॉक्स, इंडिया में नहीं सॉरी ग्लोबली, इंडिया में तो लॉन्च ही नहीं हुआ है, ग्लोबली 10,000 सिर्फ यूनिट्स है ये इस स्पेशल एडिशन के। सो या एंड देन यू हैव द सिम कार्ड टूल, डॉक्यूमेंटेशन एंड केस। केस भी थोड़ी गेमिंग वाइब के साथ देनी थी, ये क्या प्लेन केस दे दी यार, नॉट गुड। ओके चलो, दिस इज द ऑलराइट, फिर से ट्राई करते, ये फोन उठा दिया। ऑलराइट नीचे भी कुछ है क्या? नहीं नीचे दिख तो रहा है मुझे, ओ इधर कुछ है। ऑलराइट की ओ नीचे से है, मेज ऑफ अ बॉक्स। ऑलराइट, गैन लिखा हुआ है, गैन चार्जर है, 120 वॉट का चार्जर आता है दोस्तों, नाउ दैट इज नाइस। अगर पोको F3 के साथ कंपेयर करते हो, पोको F3 GT, तो इट्स अ बिग जंप, दैट इज गुड। एंड USB टाइप सी टू टाइप सी केबल आती है, या दैट्स अबाउट इट, और कुछ नहीं है इस स्पेशल एडिशन गेमिंग बॉक्स में। रख देते हैं गेमिंग बॉक्स क्या, एनीवे चलिए। केस जो है ना दोस्तों इतनी अच्छी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, फोन लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है हाथ में। ओहो माय गॉड, लुक एट दैट डिजाइन, वाओ। फर्स्ट लुक में दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा ये लुक, अभी यही लुक आएगा या नहीं पता नहीं। देखिए इधर मर्सिडीज का लोगो है एंड AMG लिखा हुआ है, सो बिकॉज दिस इज अ स्पेशल एडिशन, बट बाकी सब चीजें जो है वो सेम ही होने वाली है। आई लव दिस डिजाइन यार, लुक एट दैट। ऑब्वियसली ग्लास बैक है दोस्तों, मेटल, अच्छा फ्लैट मेटल जो फ्रेम है फ्लैट है साइड से, सो इंटरेस्टिंग। एंड फ्लैट स्क्रीन भी है आगे की, ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन। गिरा के देखना है, देखेंगे, हॉलमार्क ऑफ आर अनबॉक्सिंग। नाइस, अच्छा लगता है लेकिन। अगर आप स्टूडियो में हो ना तो आवाज जब आती है पता है कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी दोस्तों थोड़ा सा नर्वसनेस फील होता है। दोस्तों अगर वेट के बारे में बात करूं, आई एम गोइंग टू से 5-10 ग्राम्स अर्ली, क्योंकि पिछले दो अनबॉक्सिंग किए तो मैंने बहुत कम वेट बोल दिया था। MWC की जाके मैं थोड़ा लाइट हो गया हूँ, या फिर मैं हैवी हो गया हूँ शायद, इसलिए फोन्स लाइट लग रहे हैं। 212 ग्राम्स, मतलब 5 ग्राम, मैं एक्चुअल में पहले 200 to 205 ग्राम्स कहने वाला था, 210 ग्राम्स, आई एम स्टिल क्लोज, गेटिंग क्लोज वंस अगेन। तो सो पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं तो बहुत सारी चीजें हैं। ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल है बड़ा, एंड आई थिंक दैट इज AMG इंस्पायर्ड, लुक एट दैट। नीचे की तरफ भी है, एंड यस देर आर डुअल स्पीकर, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, बट डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मैं कहूंगा। राइट हैंड साइड को ये देखिए, यू हैव दोज, लुक एट दीज, these are these maglev triggers, nice. लेकिन एक्स्ट्रा नहीं स्टेप नहीं है, जब खेल रहे हो तो इमीडिएटली स्टार्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टार्ट दैट, ओके, बट वो मल्टी फंक्शनल है। ऊपर की तरफ दोस्तों इंटरेस्टिंगली इसमें आयर ब्लास्टर भी आता है, एंड या नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन तो है ही। ओह, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है एंड वॉल्यूम रॉकर भी मिलता है, उसके नीचे देयर इज अ माइक्रोफोन एज वेल, नाइस। एंड राइट हैंड साइड में बीच में आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है, सो लॉट्स ऑफ बटन्स ऑन एवरी साइड। सिम कार्ड ट्रे जो है ना, दैट इज ओके, सो इट इज ड्यूअल नैनो सिम कार्ड। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द फोन। चलिए बाहर देख लिया, अंदर देख लेते हैं। जब तक ये स्टार्ट हो जाता है, फास्ट बूट लिखा हुआ है। या मैंने गलती से, अब ये बटन ज्यादा होने की वजह से एक प्रॉब्लम है, वॉल्यूम और ऑन ऑफ बटन ये साथ में दबा दिया, क्योंकि दोनों ही बीच में है, सो एक्सीडेंटल फास्ट बूट्स जो है ना वो होने वाले हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन प्रेसिंग। बाकी किसी बटन को टच मत कीजिए,
ऑलराइट, बैक टू नॉर्मल बूट। वैसे स्पेसिफिकेशन जब तक स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लूं, पोको F3 GT से बहुत बड़ा जंप है। इस टाइम 8th Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8th Gen 1 इस प्रोसेसर पे आता है। बेस वेरिएंट जो है 8GB 128GB का है। हमारे पास 12256 है क्योंकि दिस इज दैट स्पेशल एडिशन जो सिर्फ 12256 में आता है। 4700mAh की बैटरी है बट 120W चार्जिंग है। अगर आप पोको F3 GT के साथ कंपेयर करते हो उसे 5065mAh की बैटरी दे दो, 365mAh से कम हो गई, बट फास्ट चार्जिंग हैज इंक्रीज्ड। तो अगर फोन के बारे में बात करो, ओके बाय द वे वॉलपेपर्स आर ऑल इंस्पायर्ड, दीज आर स्पेशल एडिशन वॉलपेपर्स, सो लुक्स गुड। डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, तो 6.67 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले आता है, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है एंड 480 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट आता है। यस, दैट इज हाई बिकॉज इट्स आफ्टर ऑल अ गेमिंग फोन। एंड बाय द वे दिस इज नॉट 8-bit, 10-bit डिस्प्ले आता है एंड गोरिल्ला ग्लास विक्टस का भी प्रोटेक्शन आता है। And yes, LPDDR5 and UFS 3.1 storage. तो अगर specifications के पास देखोगे, these are definitely flagship specifications and a big jump अगर Poco F3 GT के पास देखते हो तो। OS जो है दोस्तों, that is MIUI 13 which is based on Android 12. So yes, out of the box आपको Android 12 मिलेगा। लेकिन हाँ, ये Chinese variant है तो बहुत सारे भर भर के, even in flagship phones बहुत सारे apps आते हैं pre-installed. That's not good. India में नहीं होगा मेरे हिसाब से। वैसे दोस्तों, जब मैं MWC गया था तो Xiaomi के बूथ के ऊपर हमने साइबर डॉग देखा था एंड यस, उसका जो हैप्टिक फीडबैक है ना, उसमें जो इस्तेमाल हुआ है वही टेक्नोलॉजी इसमें भी इस्तेमाल हुई है एंड यू कैन फील इट। मैं अभी थोड़ा गेमिंग वगैरह कर रहा था, वाओ, परफॉर्मेंस के मामले में, गेमिंग के मामले में दिस इज नेक्स्ट लेवल। और ये जो मैगलेव ट्रिगर्स है ना, सही में बहुत ही टैक्टाइल है, मजा आता है खेलने में। हाईएस्ट सेटिंग्स पे ऑब्वियसली आप खेल पाओगे, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। अगर अंतुदु स्कोर के बारे में बात करूं, ऑन पेपर अबाउ 9 लाख। और दोस्तों एक चीज मैं कहूं, देखिए गेमिंग फोन्स में यू नीड 3.5mm जैक। बहुत सारे लोग जो हेडफोन्स होते हैं उनके उसके साथ खेलते हैं, बट दिस वन डज नॉट हैव 3.5mm जैक। और मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं दोस्तों, ऑडियो यार, इवन बिफोर टॉकिंग अबाउट वीडियो, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑडियो। दोज स्टीरियो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स जो है ना, दे आर लाउड एंड वन ऑफ द बेस्ट आई हैव हर्ड। मतलब लाउड तो है ही, क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड एमोलेड स्क्रीन होने की वजह से, बड़ी एमोलेड स्क्रीन होने की वजह से, इमर्सिव स्क्रीन होने की वजह से मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस टॉप नॉच है। दोस्तों हमने इसके ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारे गेम्स खेल के देखे हुए हैं। डुअल लिक्विड कूलिंग चैम्बर है जिसकी वजह से जो थर्मल्स हैं इसके वो अच्छे हैं, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। याद रखिए 8 जेन 1 जब किसी भी फोन में होता है तो थर्मल्स चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड दिस वर्क्स वेल, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। वैसे चाइनीज फोन जो होते हैं ना, थोड़े कुछ कभी कभी कुछ कोर्की चीजें करते हैं। पिछले पोको F3 GT में भी था या फिर उनके जो रेडमी K40 था इसमें भी है। दो ना स्पीडिएस्ट एंड फ्रीजिंग, ऐसे दो वर्ड्स लिखे हुए हैं इधर, अगर आप देखोगे, लेट मी शो यू, ये देखिए। मतलब उनकी क्या जरूरत है, इतने छोटे हैं वैसे भी, बट या वो है। वैसे दोस्तों कैमरा की तरफ ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया हुआ है। आई मीन दिस इज एक्सपेंसिव फोन। ये जो लिमिटेड एडिशन है ना, दैट इज 4199 yuan, इसका मतलब कुछ 51-52,000 rupees। एंड कोई भी फोन होने दीजिए, गेमिंग फोन भी होने दीजिए, फिर भी कैमरा थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। इसमें 64+8+2 megapixel का कैमरा सेटअप है। कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ दोस्तों, नथिंग होम टू राइट अबाउट, ठीक ठाक ही है। मतलब एक 20,000 के फोन में भी शायद आपको जो अच्छे कैमरा स्मार्टफोन से ज्यादा अच्छे फोटोज आएंगे। दिस इज नॉट बैड, बट कुड हैव बीन बेटर यार फॉर 50,000 फोन। लेकिन अगर सेल्फी के बारे में बात करूं दोस्तों, इंटरेस्टिंगली IMX595 ये नया सेंसर आया हुआ है, सोनी का है ऑब्वियसली, एंड दैट शोज जो सेल्फी फोटोज आते हैं सही में अच्छे आते हैं। तो रेयर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन सेल्फी सेंसर या फिर सेल्फी फोटोज जो है अच्छे आते हैं। फीचर्स लेकिन सभी है दोस्तों, प्रो मोड है, 4K 60fps वीडियो शूट कर पाओगे आप एंड लॉग मोड भी है, तो रॉ वगैरह आपको शूट करना है वो भी आप कर पाओगे। बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो सभी है फ्लैगशिप लेवल है। कनेक्टिविटी ऑल ऑप्शंस आर देयर, 5G ऑब्वियसली है, अभी इंडिया में जब आएगा तो क्या बैंड्स है वो पता चलेंगे। सेंसर्स भी सभी है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, इन डिस्प्ले नहीं है इसके अंदर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, दे ऑल वर्क वेल। वैसे चार कलर्स आते हैं, ब्लू, सिल्वर, ब्लैक और ये वाला जो स्पेशल एडिशन है जी हाँ वो आता है, सो देयर आर 4 colors इन ऑल। वैसे दोस्तों जो नॉर्मल K50 गेमिंग फोन है ना, उसकी प्राइस चालू होती है 3299 yuan, इसका मतलब फिर भी कन्वर्ट करते हो तो इट इज अराउंड 40,000 rupees। तो इंडिया में अगर आएगा रेडमी K50 या फिर पोको F4 GT, मैंने कहना चाहिए, इट इज नॉट गोइंग टू बी चीप, इट इज गोइंग टू बी 40,000 और अबाउ। 40,000 तक आता है तो मैं कहूँगा ठीक ठाक है, बट शायद इट माइट गो टू अबाउट 40-45, ऐसे लग तो रहा है दोस्तों। फिर भी इट माइट बी वन ऑफ द चीपेस्ट 8th Gen 1 फोन। तो जी हाँ दोस्तों,
कैसे लगा आपको ये फोन? F सीरीज में आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट फोन्स। इनफैक्ट पोको F1 वगैरह जब से स्टार्ट हुआ है F हम परफॉर्मेंस सीरीज देखते हैं एंड दैट इज व्हाट दिस वन इज डेफिनेटली। प्राइस क्या आती है इंडिया में वो देखना होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।